यार मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया की बैटिंग देखने में 2 मिनट लेट क्या हो गया कि मुझे ये स्कोर देखने को मिला। लिटरली इस स्कोर को देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकला, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यार रोहित भाई, मैं माना कि आप मिडिल ऑर्डर को टफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लेकिन देशवासियों का भी तो ध्यान दो। आपके टफ सिचुएशन के चक्कर में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाएंगे। रोहित भाई, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, वरना आप लोग तो ड्रेसिंग रूम में जाओगे लेकिन कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल में जाते मिलेंगे। चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आपका एक सेंचुरी जरूर बनता है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और यार ये कौन कहते हैं कि अरिजीत सिंह बेस्ट सिंगर है? लगता है तुम लोगों ने मोदी जी का ये गाना नहीं सुना है। जाने वो कैसे लोग थे दिल के, प्यार को यार लिटरली जब भी मेरे वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं तो मैं मोदी जी का गाना सुनता हूँ। बहुत दुख है यार इनके गाने में। और यार ये कौन कह रहा है कि मोदी जी प्लस मेलोडी इज इक्वल टू मेलोडी? व्हाट Bro, what are you talking about, man? मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी जी की सख्ती ना तो फिर इंस्टाग्राम भी बैन होने वाला है और फिर कुछ छपरियों का धंधा भी। ये बढ़िया था गुरु। यार तुम लोग ऐसे मजाक नहीं बनाओ, अगर मोदी जी के दिल में कुछ होता तो वो बताते ना। और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता। यार ये वीडियो फन पर्पस के लिए था तो इसको सीरियस नहीं लेने का, और लाइक से सब्सक्राइब जो भी करना है वो करो, लेकिन ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ। ओके।